ठीक ठाक है अल हिजाज़ी से मैं हूँ आकाश नियाज़ी। आज जिला गुजरात में जगह जगह पर जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर आमद हो रहे हैं। सबसे बड़ा जुलूस जो है ये यहाँ पर जो है पीर वलायत शाह जो मस्जिद है यहाँ से बरामद हो चुका है। पीर सईद अहमद शाह गुजराती हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे इस मौके पर वो क्या पैगाम देंगे। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद का यही पैगाम है कि सरकार के साथ जिस तरह आप मोहब्बत कर रहे हैं इसी तरह आपके फरमूदात पर अमल पैरा हो। जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी हमें भी उसी तरीके पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रबीउल अव्वल का माना पहली बहार, सरकार की आमद से बहार आ गई, रहमत की घटाएँ फैल गई अफलाक के गुंबद गुंबद पर, वहदत की तजल्ली कूद गई आफाक के सीनादारों में। जो हज़रात आज मिलादुन्नबी की खुशियां मना रहे हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें सारा साल खुशियां नसीब करे। सर आरी सवाल के एक दिन का जश्न तो मनाया जाता है मगर हमारी जिंदगी में इंकलाब क्यों नहीं आता? मस्जिद तो बना दी शबर में इमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका, ये क्या प्रॉब्लम है हमारी? इंकलाब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सरकार के सदके ही आया और पूरी दुनिया में इस वक्त सरकार का मिलाद भी मनाया जा रहा है, उसके बाद आपके फरमूदात पर भी अमल किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं कि जब अल्लाह तबारक व ताला मिल्लत इस्लामिया को पूरी दुनिया में गलबा आप। नाज़रीन बिला शुबा इनका कहना है कि जश्न मनाने का सिलसिला जो है ये जारी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इनकलाब जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की बदौलत ही आएगा। अल हिजाज़ी से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।